जो था तो था, अब हमें आगे के लिए शुभकामनाएं। इसी मनस्थिति का ये गीत है, मैं गीत शुरू करती हूँ। भारत उत्सवों का देश है, ये उत्सव धर्मिता हमारे व्यवहार में दिखती है, उन्हीं उत्सवों से शुरू करती हूँ। मैं बात शुरू करती हूँ आप सबसे। गीत गानों कीर्तन में, आरती में आज मन में, गीत गानों कीर्तन में, आरती में आज मन में, ध्यान व्रत पूजन हवन में, मंत्र श्लोकों में भजन में, एक ही वरदान मांगा, प्रेम का यह दान मांगा, पर प्रबल है भाग्य के फल, है विफल सब साधनाएं, हो विधानों को बधाई, हमें शुभ कामना, हमें शुभ कामना। और इंसान जब अटकता है तो कहां कहां नहीं भटकता है, उस भटकन को पढ़ती हूँ। चुम कर मंदिर शिवाले, नद नदी सिक्के उछाले, चुम कर मंदिर शिवाले, नद नदी सिक्के उछाले, पाठ जप तप कर के हारे, कर लिए उपवास सारे, मन्नतों के बांध धागे, काश कोई पुण्य जागे, के सुनी जाए कहीं तो अनसुनी सब याचनाएं, हो विधानों को बधाई, है हमें शुभ कामना। अगर दोबारा निमंत्रण देने पर आप इतनी कम तालियां देंगे तो दोबारा बुलाने का तात्पर्य समाप्त होगा। चलिए, समय बहुत तेजी से घड़ी घड़ी के कांटे को कांटा कहते हैं और सुई कहते हैं, क्योंकि वो चुभती है, और ये समय धीरे धीरे तब और चुभने लगता है जब हमें बताया जाता है कि आपके पास 45 मिनट है, 50 मिनट है। लेकिन मैं जानता हूँ ये जनता जनार्दन है, अगर इनके कान के माध्यम से हम हृदय में उतर जाएंगे तो घड़ी क्या, घड़ा भी फोड़ करके ये हमारे पास पसर जाएंगे। मैं देखिए, याद रखिए, अगर मेरे गांव में राजीव भैया, अगर मेरे गांव में मेरा सम्मान किया होता, इज्जत दी होती, तो हम गांव के हीरे होते, गौरव सुना रहे होते, यहाँ क्यों आते? हमें गांव में इज्जत नहीं मिली, इसलिए हम भटक भटक के सुनाते हैं। जब सही बता रहे हमारे गांव, अरे तुलसी बाबा को नहीं मिली, बाबा तो ये लिखा गया, तुलसी बाबा ने कहा कि वहां न जाइए जहां जन्म का ठाव, धरे तुलसिया ना, बोले तुलसी बाबा कोई बुलाता नहीं, बोला अरे तुलसिया आ गया। जहां तुलसी को गांव इज्जत नहीं देता, वहां हम लोग कौन रखते हैं भाई साहब, फर्क नहीं। तो मैं गजेंद्र प्रियांशु आपका है, अगर इज्जत यहां नहीं मिलेगी उसे, तो वो बाहर जाकर के क्या घूमतेगा, भटकेगा, उसकी आत्मा बाहर भटके, इससे अच्छा कि पिंडदान नहीं हो, इतनी कम तालियां में तो बाहर जाएगा। गजेंद्र प्रियांशु एक बांसुरी का ऐसा स्वर है कि सातों छिद्र से कहीं से भी उंगली हटा दो आपको सुरीला ही नजर आएगा। शर्त इतनी सी है कि अगर आपका ऊंचा हाथ जोरदार ताली बजाएगा तो ऐसा गाएगा, जोरदार जोरदार का मतलब जोरदार होता है। आइए ऊंचा करना पड़ता है जहां हम रहते हैं, क्योंकि हमसे पहले सब नीचे कभी आते हैं, नीचे मतलब कद में, मतलब छोटे। अरे आप समझते हैं यार, इतना हम समझाना होता है, यही करते करते 20 साल। दिनेश भैया हमारे बहुत अच्छे कवि हैं और पूरे देश में जाते हैं, संचालन करते हैं, कई बार कई ऐसी जगहों पर भी कवि सम्मेलन करते हैं जहाँ कवि सम्मेलन में कविता सुनाने में और सुनने वालों में सामंजस्य नहीं बैठता है। आप तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं, एक बार इन्होंने राजस्थान के गधों के मेले में कवि सम्मेलन करा दिया, वहाँ उनकी जान पहचान थी, वहाँ के लोगों से जान पहचान थी, तो कवि सम्मेलन बहुत अच्छी गति से चल रहा है। हमारी मनु ने बहुत अच्छा पढ़ा,
प्रेम के गीत मैं सुनाना चाहता हूँ, आपका मन मिलेगा तो दो चार पांच मिनट आपके साथ रहूंगा। प्रेम में जब मन टूटता है तो मनुष्य कवि होता है। प्रेम होने से पहले हर कोई मनुष्य होता है, प्रेम होने के बाद मनुष्यता चली जाती है और व्यक्ति कवि हो जाता है। हम लोग सब पहले ठीक थे, जब से प्रेम हुआ है तब से ये समस्या आई है। तो मैं चार पंक्तियां आपको सुनाता हूँ भारतीय प्रेम की परंपरा का, कि वह थी झूठी मगर इतनी झूठी न थी, वह थी झूठी मगर इतनी झूठी न थी, पर कई दिन हुए मुझसे रूठी न थी, दूर सारा भरम हो गया देख कर, दूर सारा भरम हो गया देख कर, उसकी उंगली में मेरी अंगूठी न थी। थोड़ा सा और आपका मन मिले, हम तो हारते नहीं है प्रेम में, युगों युगों तक प्रेम करने की परंपरा है हमारे भारत में। ये चार पंक्तियां आपको सुनाता हूँ कि थक गए हैं बहुत फिर भी हारे नहीं, थक गए हैं बहुत फिर भी हारे नहीं, इतने डूबे भी अपने सितारे नहीं, उसने कंगन किसी के पहन तो लिए, उसने कंगन किसी के पहन तो लिए, मेरे कंगन भी अब तक उतारे है। हम कवियों का रोज का काम है कवि सम्मेलन का, हम सब लोग फरीदाबाद के बड़े से कवि सम्मेलन में थे, तो हम ऐसे रहते हैं। और पर इधर रायबरेली उन्नाव सीतापुर जब भी आता हूँ तो मन करता है यहाँ बहुत अच्छे श्रोता हैं, अच्छा सुनेंगे, लेकिन इस बार आप थोड़ा सा मुझे ऊर्जा देने में कंजूसी कर रहे हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि रो न पाया रुआसा चला जाऊंगा, क्या बात है, रो न पाया रुआसा चला जाऊंगा, पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा, आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। आपने सबको प्यार दिया है, हम कवियों के लिए क्या है, हमें जो मिलता है धन वो सब खर्च हो जाता है, पर ये तालियां हमारे साथ सालों तक रहती है। हम जहां भी जाते हैं उस स्नेह की अपेक्षा करते हैं, अन्यथा हमारा पहली बार दिल टूटा तो हम कवि हुए और हमने आपसे दूसरी मोहब्बत कर ली है और ये मोहब्बत टूटेगी तो हम कहां जाएंगे। कई बार होता है कवियों का सम्मेलन, कवि सम्मेलन था, आगे चार पांच लोग बैठे थे, हमने कहा कि हमारी कविता पर तवज्जो दीजिए, तो बोले कि हमने अपना बेच लिया है, तुम अपने हिसाब से बेचो। लेकिन एनटीपीसी जैसे इस कार्यक्रम में आए नहीं तो हमारा क्या है, हमारा रोज का काम है ये, कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली, कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली, जैसे तैसे उम्र बिता ली मैंने तेरे प्यार में, जैसे तैसे उम्र बिता ली मैंने तेरे प्यार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार। समय बहुत कम है, अपनी गति से तेजी से भाग रहा है, हम कवियों का जीवन भी इसी तरह है कि पांव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर जाए, ये सारे कवि आठ आठ दस दस दिन से कवि सम्मेलनों में है, कोई ऐसा कवि नहीं है जिसने शाम को टेबलेट न ली हो, इसलिए कि आपको
हंसी दे सके, आपको आनंद दे सके। हमारी जिंदगी बाहर से बड़ी चकाचौंध है पर भीतर से बड़ी काली है। चाहे वो चार्ली चैपमैन के बारे में हाँ सुना है, उनसे पूछा गया कि जिंदगी में आपको मौसम क्या सबसे अच्छा मौसम कौन सा लगता है, तो उसने कहा कि मैं बरसात मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो पूछा क्यों, उसने कहा कि मैं बरसात में रोता हूँ ताकि लोग मुझे मेरे आंसुओं को न देख सके। क्या बात, वाह वाह वाह, हम कविता उस पीड़ा से सुनाते हैं कि पांव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें, पांव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें, जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। नींद बेच कर सपन खरीदे, सपने बेच तबाही, कागज बेचे कलम खरीदी, कलम बेच कर स्याही, जीवन कहीं रंग में रंगा, जीवन कहीं रंग में रंगा, रंगों के व्यापार में रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में रात रात में। बस ये जो आपकी मोहब्बत है इसी के सहारे हमारा जीवन चलता है। कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रासु रचा ले, पन घट घूमे लेकिन अब तक अपनी प्यास बचा ली, पन घट घूमे लेकिन अब तक अपनी प्यास बचा ली, कुछ गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई, कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। आए है वाह 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 वाह, ये आपकी मोहब्बतें हैं जो हमारे लिखवाती हैं। एक पंक्त में पूरे कवि सम्मेलन की तरफ से देता हूँ, हम कवि कर क्या रहे हैं बाबू जी सुनिएगा, कि कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई, अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं, आंसू के बाजार में रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। ये गीत मैंने उसके लिए लिखा था जिसने मुझे कवि होने की प्रेरणा दी थी। 15 वर्ष बाद उसका फोन आया, उसने पूछा तुम क्या करते हो आजकल, मैंने कहा कि मैं ये करता हूँ। फिर उसने मैंने उससे पूछा कि तुम बोलो, इस पंक्ति में आपका कोई बिछड़ा हुआ याद आ जाए तो उसको याद करना और मेरी ये पंक्तियाँ सुनना। मनु ने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी, कवि उसने बहुत अच्छी पढ़ी थी, एक बार मैं उसको आशीर्वाद देता हूँ। क्या बात है, तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया, तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया, कौन पराया अपना हो गया अपना कौन पराया, कौन फूल डाली से टूटा कौन खिला मधुबन में, कौन फूल डाली से टूटा कौन खिला मधुबन में, किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में, किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में, किस खुशबू से महक रही हो, किस खुशबू से महक रही हो इस निष्ठुर संसार में, रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, हमारी एक पत्नी है एक है भविष्य किसी ने देखा है किसी ने नहीं देखा कल क्या होगा। तो हमारा पहली बार विवाह हुआ तो उसने कहा कि आप सौंदर्य के कवि हो, तो मैंने कहा हाँ हूँ, तो कहीं हमारी सुंदरता में कुछ सुनाइए। तो पहले के जो कवि होते थे
उनके नायिकाएं गागर लेके पंखन पे निकलती थी तो उनको बालों में बादल दिखता था, गालों में गुलाब दिखता था, होंठों में कमल दिखता था, चाल में हिरनी दिखती थी। हमारे जमाने की नायिकाएं डैमेज जींस पहन के निकलती हैं तो कभी वो जो दिखता है कभी वही लिखता है। सौंदर्य का जो भयावह स्वरूप हमारी आंखों में समाया, मैं उसका वर्णन करना चाहता हूँ अगर आपकी तालियां मिले। पिच्चू नदी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। ये बैसारे की जमीन है, यहाँ छंद सुने जाते, मैं आपको सुनाता हूँ घनाक्षरी। कि चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। भौह है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, आधा रूप लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव, कामदेव को जानते होंगे आप, कामदेव जो है गंधर्वों के सेनापति हैं। और सहज भाषा में समझना हो तो ये समझ लो कि कामदेव जो है बाबा रामदेव के दुश्मन है। नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। रामदेव जी कहते हैं योग करो, कामदेव कहते हैं भोग करो, तो दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। कि चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। भांह है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, अधरों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव की उपासना का परिणाम हो कि रति हो कि कोई अवतार लेके आई हो। मेरे दिल का अभेद्य दुर्ग जीतने का कोई शस्त्र हो कि पूरा शस्त्रागार लेके आई हो। कविता समझ रहे हैं, कविता में बहुत थोड़े शब्दों में भी कविता हो जाती है, शब्दों का उचित रख रखाव ही कविता है। एक छंद आपको सुनाता हूँ जिसमें मेरी कला पर आपका आशीर्वाद मिले। कि चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमा बना, मन है अधीर हुआ घायल शरीर, मार नयनों के तीर इसे और तरसावो ना। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ। पहले के कवि लिखते थे 100 साल पहले, हमें तुमसे प्यार था, आज भी है, कल भी रहेगा, झूठे एकदम। 300 साल कौन जीता है? हमारा तो बिल्कुल सीधा सपाट है कि आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ, जाकर ना आओ या तो आकर के जाओ ना, आग लेके आओ या तो पानी लेके आओ, आग पानी दोनों लेके आग पानी में लगाओ ना। आग देखो क्या है, सौंदर्य को इस बात पर गर्व होता है कि वो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। तो हम लोगों को भी इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमारे पास आंखें हैं, और सौंदर्य की कीमत तभी तक है जब तक हमारी आंखें हैं। भाई 5 करोड़ की गाड़ी आप लेके आओ, हम आंखें बंद कर ले, 5 करोड़ मिट्टी में मिले कि नहीं तुरंत? आप समझ रहे हो ना जो हम कहना चाहते हैं। एक अभिनेत्री थी, उसने एक सिपाही सीमा पर था, थोड़ा कुछ देर देख लिया होगा, तो उसने कहा कि इसने हमको घूरा, हमको घूरा, हमको घूरा। अखबार में छपा तो हमने पढ़ा, तो हमने कहा उसने तुमको घूरा तो तुमने भी तो उसको घूरा नहीं, तुमको कैसे पता चला कि उसने तुमको घूरा? दोनों ने घूरा तो अपराधी कौन? लेकिन हम किसी को देख लें तो हम अपराधी, और कोई महिला हमको घंटा भर निहारे तो सत्यनारायण की कथा है। ये जो दुर्भावपूर्ण नीति है इसका मैं विरोधी हूँ। एक तरह से हमको कह लो कि हम पुरुषों के भीमराव अम्बेडकर हैं। अरे देखो, हमारी पत्नी है, हमारी बहनों को कोटी आंख भी नहीं देखना पसंद करती, हम उसकी सारी बहनों को स्नेह करते हैं, ये हमारे स्वभाव है। हम ये कहते हैं कि डगर डगर कदम कदम, हमारी दृष्टि हर जगह खराबी नहीं होती है, हम भले लोग भी होते हैं। डगर डगर कदम कदम पर रूप ने छला मुझे, मैं आदमी भला था सबने समझा मन चला मुझे। और ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है, तो दिल मेरा भी कम नहीं है, लखनवी नवाब है। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, कल से हम देखना बंद कर दें तो सोचो सौंदर्य का क्या होगा। समझ रहे हो ना जो हम कह रहे हैं? तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है,
बस एक इतना भेद है, युगों युगों से खेद है, इधर कटीली देह है उधर बदन गुलाब है, ये दिल मेरा भी कम नहीं है, नवाब है। कहते कि नारी का सम्मान करो, हम लोग कितना सम्मान करते, देखो नवरात्रि में नारी का सम्मान करते, नवरात्रि हमने दे दी, हम पुरुषों को एक रात्रि मिली है शिवरात्रि, उसमें भी धतूरा चढ़ा दो, भांग चढ़ा दो, मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं। जिसे समझिए सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी बचाओ, हम कहते हैं कि ठीक है 2000 जगह लिख दो बेटी बचाओ, तो 2 जगह लिख दो बेटे बचाओ, नहीं क्या बेटे बाद में नामीबिया से लाओगे? वाह वाह, बेटे भी बचने चाहिए। हमारा कहना बस सिर्फ इतना है, हमारे दिनेश भाई ने हमसे कहा कि कोई आध्यात्मिक उदाहरण दो कि पुरुष महान है, हमने कहा महान तो पुरुष ही है, महान पुरुष ही है, स्त्री भी महान है लेकिन पुरुष भी महान है, मतलब किसी को आप अनदेखा नहीं कर सकते हो। कि दर्द हमने दिया है हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे, ऊके की न कोयल बबूलों के बनों के बीच, मौन ही रहेगी यदि आम नहीं आएंगे, प्यार कर ही लिया है ये भी जान लीजिए कि इसके सुखद परिणाम नहीं आएंगे, और पत्थर ही रह जाएगी अहिल्या सारी उम्र, पग धूल देने यदि राम नहीं आएंगे। ये आपकी माटी का है, ये आपके इसी बगीचे का एक फूल है, और पूरे दुनिया में गुनाह कर रहे हैं विजेंद्र, बहुत अच्छा। देखिए आदमी उतना भी अच्छा नहीं होता जितना उसकी माँ बताती है, और उतना खराब भी नहीं होता जितना उसकी पत्नी बताती है।